छत्तीसगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला उफनाई हुई महानदी में गिर गई। यहां से तैरते हुए वो दूसरे राज्य उड़ीसा पहुंच गई। हैरत की बात तो ये रही कि महिला के दोनों पैर बंधे हुए थे, इसके बावजूद उसकी जान बच गई। 17 किलोमीटर नदी में आगे जाने के बाद उड़ीसा की सीमा शुरू हो गई और यहाँ मछुआरे ने महिला की जान बचाई। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का है। यहाँ बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी होने की वजह से महानदी उफान पर है। रायगढ़ के पोरथ गांव की रहने वाली मानसिक रूप से अस्थिर महिला, जिसका नाम सरोजनी था, फिसल कर महानदी में गिर गई। गुरुवार की सुबह महिला किसी तरह तैरते हुए उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले के पास पहुंची। यहाँ महानदी के किनारे गांव के मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ रहे मछुआरों ने जब महिला को देखा तो उसे बचाने का प्रयास किया और बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मछुआरों ने देखा कि महिला के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। इसके बाद महिला से पूछताछ की गई तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना नाम और पता बताया। मुन्ना तो सरोजनी रणबीर ब्याह बोल ना छा पिला नहीं तो माँ बो अच्छा न तोर सास ससुर तोर भाई दे बोले तोर मान तोर बर किए न इटा तो हमें नहीं जानी से पुरत नु तपने झास दे दी छन कि कंदा कर छन कि पैन बढ़ी आसला जे पले छन ताकर ना उछे सरोजनी रणबीर से नु मझा न थी आसी 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 करी अमर पलसदार रो सिसवाल हां सिसवाल क्वेश्चन गुटे पार छे सेन अमर मेलन जलिया थिले के दानी सेठ आउ ताकर बापा रमेश से आउ गोटे थिले जीतन मेहर आउ ताकर बापा सूरदास मेहर से माने ताकु उद्धार करछन तार पर से माने किल्लाले तार पर आमे जालपाटी वाले थिलु सूर्य कुमार मेहर रो जालपाटी ताकु उद्धार करी करी आमे एछनी पेंतरा कान के रखीछु ताकु सेवा सुश्रूषा करी करी ताकु भोग लागला खाना पीना देख रे एछनी ताकु इन अमर पाखे रखीछु सेनु जे करी फिर आमे थाना रे हैंडओवर करमु आ सेनु थाना वाले ताको ताकर घर के देख रे फोन कर के ताको फिर पठावे आ ताकर गुड़े बेरी होछे कोथिल कंदा होछे हां बेली तो लागी छे दुही गुड़े बेली लागी छे गुटे बेली के खुल्लु न आ ताको एछने दुही गोड़ के ताकर चालबार लागे ले किसी असुविधा ना चली के ले हमर संगे दे सकबे आ ताको रखी छै न। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही है। उन्होंने बताया कि महिला बड़ी मुश्किल से अपने भाई और गांव का नाम बता पाई है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि उसकी मानसिक हालत की वजह से पति ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद महिला भाई के साथ रहने लगी। 5 साल पहले हुई शादी के बाद जब ससुराल वालों ने छोड़ दिया तो महिला के घर वाले उसे अपने साथ ले गए थे। मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से गाँव वालों ने उसे जंजीर से बांध कर रखने को कहा। उससे पहले केवल कल थानू पुल कहते आप जानी पा सकते हाँ कल से निकल गया है मेंटल है शुरू से ना हम लोग बिलासपुर बिलासपुर सब हाँ हाँ ठीक खास घर पूरा तो पूसर में रहते हैं हम लोग शुरू से मेंटल है ये इलाज चल रहा है बिलासपुर सब इलाज चल रहा है ठीक ठीक रायगढ़ में भी इलाज चल रहा है पूरे सर्टिफिकेट हमारे रात को निकल गया उसे क्या करो कई बार भटक गया ठीक फिसल गया होगा नदी में क्या करेंगे उसमें सब भाई के गलो तानी घर घर के रहता हूं हम निकले के हम गलत गए ताकि कि चिड़ा पटा देख रही खाना पीना दे लूं ओली करी आउत लागे गंदे माने पूरा माने भल तो ओली करी आउत लागे माने माने भल ओली बात का कारण कि दानी घर पूरा सबके देखि जा हम तो करे ताकि पास के आके दो आज जो रही जो नहन पूरा दिन इनके गंदे करी आलो पानी दी कहने गोड़ खतरी को लगी कहते तो तुम्हें कहते हो पड़ी मरल पड़ी मरल हाँ किए लगे किए लगे बेली किए लगे
बेली के लगे ला बेली। इसके बाद वो जंजीर से बंधे हुए ही अपना जीवन यापन कर रही थी। बुधवार को किसी तरह वो महानदी के पास पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि महिला नदी के पास कैसे गई, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो इस हैरान कर देने वाले मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर विभाग के साथ।